तो आज हम बात कर रहे हैं जिहादी गैंग और जाकिर का गठजोड़, जो हमारी आज की बड़ी खबर है, देख सकते हैं स्क्रीन पर। लेकिन इसी बीच मैं आपको बता दूं कि हमारे शो में आने वाली नेशनल सदर मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नाज़नीन अंसारी, उन्होंने आरोप लगाया है, संगीन आरोप लगाया है कि सिर्फ सच को सच बोलने पर उनको जान से मारने की धमकियां देशों से मिल रही है, खाड़ी देशों से मिल रही है। ये वही नंबर है जिससे मुझे भी धमकी भरे फोन आए थे और इसकी बकायदा शिकायत मैंने नोएडा पुलिस को करी है। मैं नाज़नीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि नाज़नीन आप भी इसकी शिकायत पुलिस में जरूर दर्ज कराइए। आपने सच को सच कहा है, पूरा देश और न्यूज़ नेशन परिवार आपके साथ है और हमेशा खड़ा रहेगा। आरएसएन सिंह साहब, ये कौन सी कट्टरपंथी विचारधारा है जो इस तरह से सच बोलने पर लोगों को धमकाती है? सिंह साहब, नहीं, अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो वहाबी विचारधारा है ये केवल हिंदू मुस्लिम कम्युनल हारमोनी और डिसहारमोनी की बात है। नहीं, इस्लाम के अंदर में आप नहीं समझ रही है, जो लोग अरब का हवाला दे रहे हैं और जो वहाबी सोच का हवाला दे रहे हैं, यहाँ पर जो तमाम जो हमारे शिया भाई लोग हैं वो इस बात को उन्होंने कई बार उठाया है। यहाँ तक कि वहां पर उन्होंने ये डिमांड किया था कि जाकिर नायक को हिरासत में लिया जाए और उन्होंने सरकार से कार्रवाई करने की लिखित में मांग की थी, क्योंकि हम भी डिमांड कर रहे हैं, हम भी डिमांड कर रहे हैं कि आप हिरासत में लो। उनके चेले आ गए हैं, मौलाना साहब अभी सुनवाऊंगा उनकी बात। जाकिर नायक के चेले आ गए हैं माजिद हैदरी। सिंह साहब, आप कंप्लीट करिए। हाँ, एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। और दूसरा साहब, मैं आपको हिरासत में लीजिए। एक मिनट, तमाम मेहमान जो बैठे हुए, मैं आपको कह दूं कि इतना कुछ हिंदुस्तान ने दिया है। देखो, अरब से जब इस्लाम आया, मान लो अरब वैरायटी, अरब के इस्लाम में ना आर्किटेक्चर है, ना म्यूजिक है, ना पेंटिंग है, कुछ नहीं है, निरस जीवन है। ये सब जो रस है ना ये हिंदुस्तान की संस्कृति में दी है। अगर अरब इस्लाम की, जिसकी बात ये बकर इस्लाम कर रहे हैं, तबाही हमारी नहीं होगी, तबाही उन लोगों की होगी जो इनकी बात मानते हैं। बिल्कुल ठीक कहा माजिद हैदरी, आप कह रहे हैं ना जाकिर नाइक को गिरफ्तार करो। माजिद हैदरी जाकिर नाइक के शागिर्द हैं, चेले हैं उनके। माजिद हैदरी, मौलाना नदीमुद्दीन कह रहे हैं कि वो तो उनको मुसलमान ही नहीं मानते, जाकिर नाइक को, आप उनके चेले हैं। देखिए, मौलाना साहब और मौलाना साहब के फॉलोअर में कितना अंतर है। जाकिर नाइक, जिसको आप अपना गुरु बताते हैं। देखें चौरसिया साहब, सबसे पहले मैंने इस मंच पे सुना कि आपको किसी ने धमकी दी है, मैं उसका खंडन करता हूँ। विचारधारा वाले ने दी, मैं उसका खंडन करता हूँ जी। धन्यवाद आपका माजिद भाई। देखें, आप ये जो आपा की, जिन आपा की आप बात करें, जो आपा और जो यहाँ पे मौलाना ले आते हैं, भागवा मौलाना जो इस डिबेट पर आते हैं, इन लोगों का काम ही है कि अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं। विदेश में क्या होता है, विदेश में लोग अपना कपड़े उतार के नंगा होकर के अपनी पब्लिसिटी करते हैं, यहाँ पर ये लोग इस्लाम के खिलाफ बात करके अपनी पब्लिसिटी करते हैं। तो वो विदेशी नंगों में और इनमें जो इस्लाम को बद करके जो पब्लिसिटी करते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। इन दोनों को देश से निकालना चाहिए। मैं आपसे एक बात पे कहना चाहता हूँ कि क्या 6 साल पहले इस देश में कोई ऐसी डिबेट होती थी कि जाकिर नायक दहशतगर्द है? क्या कभी डिबेट होती थी कि भारत में रहता हूँ का वंदे मातरम कहना होगा? ये सारी जो वजह है ना, आरएसएस की विचारधारा है, ये आप समझ लें। 6 साल पहले कांग्रेस शासन में कभी हमने नहीं सुना कि ये डिबेट हो रही हो कि डॉक्टर जाकिर नायक दहशतगर्द हो गए। कभी हमने ये नहीं सुना कि गाय के नाम पे यहाँ पे मुसलमानों को मारा जाए। कभी हमने ये नहीं सुना कि मुसलमान आतंकी हैं, पूरे देशवासी, भारतवासी मुसलमान आतंकी हैं। ये 6 साल से मामले बन रहे हैं क्योंकि आरएसएस करवा रही है। बुरहान वानी क्या था, रियाज नाइक को क्या था, जैसे मोहम्मद, देखिए मैं इनमें सबसे ज्यादा आजहर मसूद को जानता हूं, जिनको भाजपा वालों ने बड़े आदर के साथ अफगानिस्तान में छोड़ा और बातचीत करके रखी कि भाई आगे कैसे करना है, हमें आगे क्या सेटिंग करनी है। आप भाजपा वालों को पकड़े, उनकी पूछताछ हो तो पता चले कि उन्होंने अजहर मसूद को क्यों छोड़ा था। दीपक, मैं तो भाजपा को आतंक का कनेक्शन जानता हूँ और किसी आतंकी को नहीं जानता। हम लोग इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। माजिद भाई, ये जवाब चाह रही है नाज़नीन आपसे। नाज़नीन जी, सवाल पूछ लीजिए माजिद से। ये जाकिर नाइक के चेले हैं, हम लोग इस्लाम के खिलाफ बातें करते हैं। क्या इस्लाम के पक्ष में बोलने का ठेका इन्होंने ले रखा है क्या? कर रहा है
ये कह रहे हैं कि जो भारतीय के खिलाफ बात करेगा वो इस्लाम के खिलाफ बात करेगा, वो इस्लाम के खिलाफ बात करता है। और जो जाकिर नाइक कौन है? जाकिर नाइक कौन है? जाकिर नाइक है कौन? आप पैगंबर के खिलाफ बोलते हैं, आप पैगंबर को नहीं मानते, सूफी संतों को नहीं मानते, भारत की संस्कृति को नहीं मानते, आप हर चीज का विरोध करते हैं, मगर जाकिर नाइक को आपको हीरो लगता है? इस्लाम के विश्व गुरु, विश्व गुरु नहीं है वो, विश्व गुरु नहीं है वो, भड़काने वाले इस्लाम के नाम पर, इस्लाम के नाम पर लोगों को डराने वाले, बरगलाने वाले, बहकाने वाले हैं। कोई धर्म गुरु नहीं है, कोई विश्व गुरु नहीं है वो। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि गोली मारो सालों को, अरे क्या डॉक्टर जाकिर नायक ने कभी इनमें से कोई एक शब्द कहा? दीपक भाई पहले ये मैं क्या आप लोग ड्रामा करते हैं यहाँ पे? आपको शर्म कभी इस बात के बारे में नहीं कहा कि पूरे बंबई शहर में पोस्टर चिपकाए गए कि आप कोशिश करते हैं, आप इंसाफ के लिए मुल्लों के पास जाइए मगर संविधान में मत जाइए। ये संविधान का विरोध करते हैं, देश का विरोध करते हैं, और ये जाकिर नायक किस पक्ष में बोलते हैं बताइए, जवाब है दीजिए। हमारी सैदरी आप इस देश के खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हैं? जो देश आपके पड़ोसी के खिलाफ है, जिस देश के आप कपड़े पहनते हैं, जो देश का महिलाओं का शोषण करते हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं, महात्मा गांधी के बहुविवाह के नाम पे महिलाओं का शोषण करते हैं, वो एक गांधीवादी मुसलमान है। कोई अमल लाने की कोशिश नहीं की उन्होंने, आतंकवादियों को पैदा किया है, ये सारे जैसे संगठनों को पैदा किया है। चलिए मौलाना नदीमुद्दीन देखिए, महात्मा गांधी के बराबर है जाकिर नाइक, यहाँ तुलना भी हो गई है। मौलाना नदीमुद्दीन को भी आइए, ये वैसे मौलाना साहब का वकील है, बताइए मौलाना नदीमुद्दीन क्या बोलेंगे? मौलाना साहब उनकी बोलती बंद कर दी मैंने, आज इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। मौलाना नदीमुद्दीन महात्मा गांधी के बराबर है जाकिर नाइक, आपके उधर शांति का पुजारी है ना, जाके उनको उनके तलवे ना चाटें आप। देखिए सुनिए, नहीं सुनिए सुनिए, ए माजिद हैदरी आज सुअर के जैसा खामोश बैठो, बात सुनो, तुमको बात करने का ढंग नहीं है। शब्दों पर सही, बेवकूफ कहेंगे, बात सुनो, शब्दों पर सही, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, पहले की मर्यादा रखो बदतमीज इंसान, आरएसएस के बात करने का तरीका सीखो, बोलो टके की औकात नहीं है तुम्हारी, बदतमीज इंसान, बेशर्म इंसान, बात करने की तमीज नहीं। गधे सुन, गधे कहेंगे सुन, मेरे अरे जाओ दफा हो जाओ नेपाल में, रहो म्यांमार में, रहो जलील इंसान, तुझे क्या मालूम है बदतमीज इंसान, जलील जलील हरामी, खामोश बैठो, खामोश बैठो, शब्दों की मर्यादा, मुसलमानों का दोनों को सेफ देना है, बात कर लेंगे आप अपने बेशर्म इंसान की, हरामखोर कहेंगे उल्लू का पट्टा, अरे प्लीज 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 नेक्स्ट का पट्टा हरामखोर, देखिए शब्दों की मर्यादा, प्लीज शब्दों की मर्यादा, माफी चाहूंगा इन शब्दों के इस्तेमाल पर, आप दोनों बात कर सकते हैं, पहले गाली दी हरामखोर ने उल्लू का पट्टा कहीं का, अरे माजी भाई, माजी भाई बुजुर्ग है अपने, देखिए देखें इसने कैसे शब्दों का प्रयोग किया, पहले सुअर बोल रहा है फिर कुछ बोल रहा है, मुसलमानों का झगड़ा, इसको मुसलमानों का झगड़ा, बदतमीज इंसान को, मुसलमानों का झगड़ा, बदतमीज इंसान, बेशरम, बेहया, आरएसएस का टट्टू, आरएसएस का टट्टू, ज्यादा बकवास मत करो, बात सुनो, को करो बात सुनो, चुप करो, बदतमीज इंसान, बेशरम, तुझसे बड़ा जलाल कौन है? दो टके का बेशरम बिका हुआ भागवा मौलवी, अरे भागवा मौलवी, भागवा मौलवी भाई हम, ओ चला भगवा मौलवी, रमजान के मुबारक पाक महीने में है शब्दों का इस्तेमाल, ध्यान दे थोड़ा, तो ये इस भगवा मौलवी को सिखाएं जिसने अश्लील शब्दों का प्रयोग किया इस डिबेट पे, बदतमीज इंसान ने, मौलाना नदीमुद्दीन बकवास ना करे, और मेरी बात है जाकिर नाइक के चेले हैं और उनके हिसाब से भगोड़ा जाकिर नाइक की वही हैसियत होनी चाहिए जो इस देश में महात्मा गांधी की है, दुनिया में महात्मा गांधी की है, आप क्या कहेंगे? मौलाना नाइक का चेला होने का गर्व करता हूं, गर्व महसूस करता है देश का हर मुसलमान, नहीं पूरे विश्व का हर मुसलमान डॉक्टर जाकिर नाइक पे गर्व महसूस करता है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने अमन सिखाया है, शांति सिखाई है, और जाकिर नाइक कभी भगोड़े हो गए, क्या नहीं है, और उसके बाद भगोड़े हो गए, अरे सुनिए देखिए सुनिए, भगोड़े नहीं हो गए, मैंने आपको कल भी कहा उनने वो शरणार्थी बने इस वक्त, शरणार्थी लेना पड़ता है, यहां पर मेरे कहना शरणार्थी को भारत में नहीं आने देना चाहते, चलिए कोई बात नहीं, सीए का विरोध करके मौलाना जी अपनी बात कंप्लीट करिए, छोड़िए ना आप, माजिद माजिद भाई बोलते रहते हैं, छोड़िए आप अपनी बात कंप्लीट करिए, वो कह रहे हैं कि जाकिर नाइक की वही हैसियत है इस देश में जो महात्मा गांधी की, हमारे बापू राष्ट्रपिता, बिल्कुल बिल्कुल देखिए सुनिए,
जाकिर नायक, सुनिए, जाकिर नायक हो या जफर उल इस्लाम हो, हमारा झगड़ा देश की सरकार से हो सकता है, आरएसएस से हो सकता है, भाजपा से हो सकता है, मगर हम अपने मामले को दूसरे मुल्क में लेकर के जाएंगे, इसकी मैं निंदा करता हूँ। हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश में रहते हैं, इस देश के संविधान को फॉलो करते हैं और हम इस देश के संविधान पर चलते हैं। जाकिर नायक क्या कहते हैं, जफरुल इस्लाम क्या कहते हैं, ये बहस का मुद्दा नहीं है। हम अपने मामले को भारत के अंदर हल करेंगे। अगर हमारा झगड़ा आरएसएस से है तो हम सीधा कहते हैं कि आरएसएस को हम कंडम करते हैं, भाजपा को कंडम करते हैं, मगर हम अपने मामले को अरब के अंदर, अरब के बीच में नहीं ले जा सकते हैं, दुबई में नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है, मैं नाज़िम के पास चलता हूं, ले जा सकते हैं। मुझे मुझे ये बताइए कहा जाता है मुसलमानों को किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए और किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहते हैं रोजा कबूल नहीं करता परवरदिगार। जी दीपक भाई, ये कहा जाता है कि रोजा मतलब हर चीज का रोजा है। आप जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी की तरफ गंदी नज़र से देख रहे हैं, हर चीज़ का रोज़ा होता है, मगर यहाँ पर ये नेशनल चैनल पे बैठ करके इस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं और इस तरह से पूरा देश देख रहा है और पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से लोग इस्लाम के नाम पर किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अल्लाह के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे, बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे। ये जाकिर नायक और तमाम इस तरह के जो इस्लाम धर्म के कट्टरपंथी मौलाना है उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। ये पैगंबर के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे, जहाँ से अमन और शांति आती है वहाँ उस रास्ते पे नहीं चलेंगे, बल्कि ये भड़काने वाले कट्टर जी, आप कृपया करके फेंक देना इस मौलाना को, इस पाखंडी मौलाना को डिबेट से बाहर। क्या कर रहे हैं यहाँ जिन्होंने कट्टरपंथी का प्रयोग किया, निकाले उन्हें, किक मार के निकाले बाहर डिबेट से। सोच को बढ़ावा देने वाले लोग लोगों के बताए हुए रास्ते में चलते हैं। इस डिबेट से क्या काम है इसका, जो अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। माजी दैदरी, निकलिए से बाहर पहले। फिर शब्दों का इस्तेमाल आपने भी किया माजी दैदरी, उन्होंने भी गलत किया, आपने भी गलत किया। उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मैं माफी मांगता हूँ पूरे देश से कि इन शब्दों का इस्तेमाल चैनल पे हुआ है। पर माजी दैदरी ये भी सोचिए ना, आप किस आदमी की किससे तुलना कर रहे हैं। एक कहावत है, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, देख कहां भगोड़ा जाकिर नायक और कहां देश का राष्ट्रपिता। लोग सुन के हंस रहे होंगे आपको, तेली बता रहे हैं, मारी हंस रहे होंगे, मेरा चैनल कॉमेडी चैनल बन गया होगा, सदगुरु की तरह है। दीपक भाई, जब आप उनका नाम मदर से लेते हैं तो हमारे डॉक्टर जाकिर नायक का नाम भी आदर से लीजिए। तो देश का संविधान सिखाता है कि हम अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, यजीद के रास्ते पे नहीं चलते। और जाकिर नायक ये देश का कानून क्यों तोड़ा, भाग क्यों गए? जाकिर नायक जैसे लोग यजीद हैं, आज के यजीद हैं, ये यजीद को कहां से नहीं इस डिबेट में। देखें आप पहले अपने शब्दों को ठीक कीजिए। जी बिल्कुल, मैं आप बता रही हैं कि आप ऐसे बता रही हैं कि जैसे लोग हैं। यजीद हैं जो अपने आप को मसीहा, मुसलमानों का मसीहा बना करके पूरे मुसलमान कौम को बदनाम कर रहे हैं। एक उनके खिलाफ आरोप बता दीजिए जो उन्होंने गलत की हो, एक आरोप बता दीजिए ना, एक चीज बता दीजिए इस मंच पे आज देश देख रहा है, बता दीजिए क्या आरोप है उनके खिलाफ। तमाम वीडियो उठा के सुन लीजिए, उनके तमाम वीडियो हम लोग भी देख रहे हैं कि वो गाय ऐसा इस पे गाय के खिलाफ बोलते हैं, महिलाओं का देश में बोलते हैं, उनकी बकरे के नाम पर मारा, बछड़े के नाम पर मारा, गाय के नाम पर मारा, क्या किया, तमाम उनके वीडियो भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। क्या जाकिर नायक की महात्मा गांधी से तुलना की जानी चाहिए, बताइए। देखिए, जो महात्मा गांधी का जो सोच थे वहाँ पे हम नहीं पहुँच पाएंगे, बट हमें पहुँचना चाहिए क्योंकि हम लोग जो है, हम लोग बिखरे हुए, हमें मीडिया ने बिखरा दिया है, हमें मीडिया ने डिस्ट्रैक्ट किया है, हमें मीडिया ने वैनाम फैला दिया है, पूरे देश में वैनाम फैला दिया है मीडिया ने, इन्होंने डिस्ट्रैक्ट किया है, पूरे नेशन को डिस्ट्रैक्ट किया है। बात एक होती है उसको इतना बड़ा के दिखाते हैं कि ताकि मेन मुद्दा दब जाता है। अच्छा, मौलाना साहब ने क्या किया, जैसा कि अभी आप देख लीजिए, हमारे यहाँ पे साहब ने नहीं की, हमारे यहाँ पे कितनी जाकिर नायक ने नहीं की, चलिए मैंने गलती करी। मैं फिर से वही बात बोल रही हूँ, अगर मौलाना साहब ने गलती की है, अगर मौलाना साहब ने गलती की है, ये आपका काम नहीं है, मेरा काम नहीं है, ये कोर्ट का काम है, ये प्रोसिक्यूशन का काम है, ये इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का काम है, सरकार देखिए आपका काम है, आपका काम है फैक्ट्स को टच करना, आपका काम नहीं है कि सर्टिफिकेट देना, आपका काम नहीं है कि उसको जेल में पहुंचाना, ये काम है कोर्ट का, जो उसको जेल पहुंचाएगा। अच्छा, देशद्रोही को देशद्रोही ना कहा जाए, अथॉरिटी का काम है जो मुझे बताइए, देशद्रोही को देशद्रोही ना कहा जाए, क्या वो कल्प्रिट है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, वो आपको नहीं पता, क्या आप उनके साथ होते हैं 24 घंटे, आपको फिर पता होगी कि वो क्या सही है वो गलत है, वो मुझे नहीं पता, वो आपको पता होगी अगर आप उनके साथ
साहब 24/7 होंगे। नहीं नहीं, इतने सारे वकील पैदा हो गए मौलाना साहब का, मैं तो सबसे पूछता हूँ, उनमें से कोई ये अपील नहीं करता कि मौलाना साहब बाहर आ जाए और क्लेरिफाई कर दे कि भाई मुझसे गलती हो गई, देश से माफी मांग ले, बात खत्म। वो तो छुपे मैं वही बात बता रही हूँ कि इन्वेस्टिगेटिंग ये आपका काम नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करना मेरा काम नहीं है, ये इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का काम है, इन्वेस्टिगेट करना और कोर्ट के सामने उसको लाना, क्या वो सही है या गलत है वो आपका काम नहीं है। नो वन इज अबोव द लॉ, आपने ये सुना है ना, नो वन इज अबोव द लॉ, ना आप है अबोव द लॉ ना मैं हूँ, मेरे लिए भी वही कानून है, उनके लिए भी वही कानून है, आपके लिए भी वही कानून है। मुझे समझ नहीं आता नाज़रीन आपा, ये बट हाँ जो यहाँ इस्लाम की बजाय मुल्ला के इस्लाम को क्यों मानने लगते हैं माजिद हैदरी जैसे लोग, और जाकिर नाइक को महात्मा गांधी से कंपेयर करने लगते हैं। ये मैं फिर वही बात कहूंगी कि ये अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे, पैगंबर के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे, ये खुद अल्लाह के रसूल को भी नहीं मानते, ये यजीद के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, और जाकिर नाइक जैसे लोग यजीद हैं, आज के वक्त के यजीद हैं, जो अल्लाह के रसूल के खिलाफ और अल्लाह के खिलाफ अपना अलग रास्ता बनाते हैं और अपनी शख्सियत बनाए रखने के लिए तमाम वीडियोज़ जारी करते हैं। मैं कह रही हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में जहाँ पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया इस मुसीबत की घड़ी में परेशान है, तो वो इस तरह के बयान देने के बजाय कुछ जकात देते, कुछ लोगों की मदद करते, तब इस तरह की वीडियोस जारी करते ताकि लोग मुसलमान उनसे प्रेरणा लेते, मुसलमान उनसे सीखते कि हमारा इस्लाम किस तरह से अमन और शांति फैलाता है, मगर वो इस तरह की वीडियो और इस तरह के ऑडियो नहीं जारी करेंगे, वो इस तरह के भड़काने वाले वीडियो जारी करेंगे, ऑडियो जारी करेंगे ताकि लोग भड़क कर सड़कों पर उतर आए, पत्थरबाजी करें। हम अल्लाह के सामने झुकते हैं, भारतीय मुसलमान अल्लाह के सामने झुकते हैं, किसी नागपुर के सामने नहीं झुकते। अच्छा नागपुर का, हम भी अल्लाह के सामने झुकने की बात कर रहे हैं, मैं खुद आप ये बात के सामने समझ लीजिए, फिर आप बाकी तो बात कर लीजिए अपना। अरे भाई आप तो यजीदी सोच वाले हैं जो महात्मा गांधी से तुलना करते हैं, यजीद हैं आप, यजीद का इस्लाम मानते हैं, बताइए माजिद हैदरी। मैं सिर्फ महात्मा गांधी से तुलना नहीं कर रहा, मैं उनकी श्री श्री रविशंकर से भी तुलना कर रहा हूं और सदगुरु से भी तुलना कर रहा हूं, क्योंकि वो तीनों जो व्यक्ति हैं ये शांति के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर जाकिर नायक को बदनाम उनके धर्म की वजह से किया जा रहा है, वरना वो भी उतना ही शांति का काम कर रहे हैं जितना आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी कर रहे हैं, जितना सदगुरु जी कर रहे हैं। वो महात्मा गांधी की तरह है तो आकर भारत में सरेंडर करें, और महात्मा गांधी तो न जाने कितनी बार जेल यात्रा की, वो क्यों नहीं आएंगे ना इंशाल्लाह, अभी भाजपा की सरकार है नहीं आ पाएंगे, ये सरकार बदल जाए आएंगे इंशाल्लाह, अपने घर ही तो वापस आएंगे, उनकी भी घर वापसी इंशाल्लाह होगी, लेकिन भाजपा सरकार में नहीं होगी, भारत की सरकार के सामने इंशाल्लाह कांग्रेस की सरकार होगी तो आएंगे वापस, कमेंट लेता हूं आरएसएस के साथ से, आरएसएस के साथ आएंगे ना, कांग्रेस की सरकार आएगी तो आएंगे वापस के बाद से, कि भाई क्या ऐसा हो गया है कि लोग खड़े हो रहे हैं इन लोगों के खिलाफ, मुझे बताइए ये वहाबी विचारधारा इस देश में कौन घुसाता जा रहा है, कौन इस षड्यंत्र को कर रहा है, कौन कश्मीर की गलियों से इस विचारधारा को निकालकर शाहीन बाग तक ले आया है? देखिए ये जो कहा गया गांधी से जिसे तुलना की गई, तो मैं बता दूं गांधी जी अरब के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे। दूसरी बात, गांधी जी का एक 42 का स्पीच है जो कि ये गऊ गऊ का बार जिक्र कर रहे थे, तो वो मेरे पास रखी हुई है वो स्पीच, उन्होंने कहा था कि मैं हाँ मैंने कैलिफेट था और शायद इस लालच में कि शायद इससे गौ हत्या बंद हो जाएगी, ये उनकी स्पीच है। तीसरी बात, अगर गांधी जी ने कभी सेक्स स्लेव्स और ये मर्दों को पीटने का हक और ये नहीं कहा था कि मस्जिद और चर्च यहाँ पे नहीं रह सकते हिंदुस्तान में, उनका कोर्ट का कोई वजूद नहीं है एक इस्लामी कंट्री में, ऐसी बातें गांधी जी ने नहीं की। और बाकी अगर माजी साहब जी ये सारी चीजों में विश्वास करते हैं तो लगता भी हो सकता है विश्वास करते होंगे सारे प्लेट्स और ये और उनको पीटने का, इमरान खान भी उस पर विश्वास करते हैं भाई साहब। तो ये देखिए आपने ये सवाल पूछा कि यही ताकतें हैं, अरे जो शाहीन बाग में महिलाएं बैठी हुई है उनको तो हमारी सरकार ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से निजात दिलाया, तो उनको तो शुक्रगुजार होना चाहिए था सरकार की तरफ से, आज तक मुझे समझ में नहीं आपका ऑडियो चला गया है, आप सबको रोकूंगा, लेकिन चलते चलते कहना चाहूंगा नाज़रीन जी आप बिल्कुल मत घबराइएगा, आपा आपके साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, पूरा न्यूज नेशन परिवार और उसके दर्शक खड़े हुए हैं और पूरा देश आपके साथ है। सवाल यह है कि
सच बोलने पर धमकी क्यों? क्या यही असली मजहब है? इस सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूं।